ये बंदा इतने दिनों के बाद आया आया। ये बंदा भाई बहुत चीटिंग करता है यार, बहुत दिनों के बाद ये आया। अभी अभी मेरे को दिखा मेरे फ्रेंड लिस्ट में, तो इनको इनको उड़ा देते हैं भाई को। चीटिंग बहुत गंदा किया बंदे ने। बट चीटिंग इतना गंदा किया है यार, लोग यूट्यूबर्स ने ऐड कर लिया फ्रेंड लिस्ट में, क्योंकि भाई खेल बहुत गंदा रहा था बंदा। मतलब चीटिंग करके जो भी करके खेल रहा था, खेल तो एकदम सेक्सी रहा था बस। अब वो पता ही है आपको कि जादूगर था, जादूगर मैं, जादूगर जादूगर तुम भी, जादूगर हम सब जादूगर। हाँ तो भाई, अब तो 14-15 मिलियन सब्सक्राइबर वाले को भी पता चल गया कि तेरे क्या क्या जादूगरी हैं और क्या क्या काले कारनामे हैं। उसके बावजूद भी तू कौन से सालों से वीडियो में आकर के खुद को इतना इनोसेंट साबित कर रहा था भाई, मुझे तो नहीं पता। तो अगर अब तेरे अंदर थोड़ी मोड़ी भी शर्म बाकी है ना, तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज यार इतना ज्यादा गंद मत फैलाइए अपने वीडियो में। बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हकना बंद करो। और बेटे तेरे सब इधर कुछ अदल बदल से नहीं गई है? नहीं, तू पहले क्या बोला करता था अपनी वीडियोस में? कस्टम वाले गेम प्ले तो वीडियो आते रहेंगे रेगुलर, बट मैं और किस तरह के वीडियोस बनाऊं? भाई तू किसी प्रकार की वीडियोस बना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार जो पिछले बार तू आके अपने वीडियोस में गंदगी फैलाई ना, प्लीज भाई हाथ जोड़ के निवेदन है तेरे से, प्लीज यार दोबारा ऐसी वीडियोस मत बनाइयो। लेकिन एक सेकंड, रही बात गिवअवे कस्टम्स की, तो मैं गिवअवे कस्टम नहीं खेलूंगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भाई ये एटीट्यूड तो यहाँ मत दिखा ले कि मैं ये गिव अवे कस्टम नहीं खेलूंगा, ये नहीं खेलूंगा। गाइस बाय बाय टाटा, हो गया मेरा खत्म, न्यू कंटेंट डालूंगा अब। तो ये एटीट्यूड यहाँ मत दिखा भाई, क्योंकि तू अपने जनता तक को ही चूतिया बना सकता है, ठीक है? पूरे दुनिया को तो चूतिया बना नहीं सकता है। तो सारे यूट्यूबरों को तेरे काले कारनामे, तेरे क्या क्या कांड है ना, सब कुछ पता है। तो तू अब गिव अवे कस्टम ऐसे भी नहीं खेलने वाला है, जिसमें भी जाएगा तो किकी खाएगा। तो भाई मत ही आइयो, क्यों लाइव में बेइज्जती करवाएगा खुद का। तो फिलहाल के लिए इस भाई को अभी थोड़ा साइड करते हैं, एंड मेन कुछ आप लोगों को और दो चार टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, तो अभी आप लोग ध्यान से सुनना उस चीज को। Okay. अब अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ देसी छोरा ही एक ऐसा बंदा था जो कि गिवअवेज कस्टम में टीमिंग करता था, तो तुम गलत हो। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि जब से ये एक्सपोज हुआ है देसी छोरा, तब से शायद से गिवअवेज कस्टम में टीमिंग होना ही बंद हो गया है, तो तुम चूतिया भी हो, क्योंकि यार पैसा क्या कुछ नहीं करवा सकता है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। अब मेरे पास ऐसे और भी कई सारे डिस्कॉर्ड्स के क्लिप या फिर टीमिंग्स वाले क्लिप्स पड़े हुए हैं, जो कि मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, एंड ना ही मैं किसी का पार्टिकुलर नाम बताऊंगा। लेकिन आप लोग इतना समझ लो कि ये जितने भी देसी या फिर देसी के बंदे हैं जो कि अभी भी गिवअवे कस्टम में आते हैं, क्योंकि यार देसी को बैन करा गया है हर जगह से, एंड इसके बंदे को भी बैन किया गया था, लेकिन वो धीरे धीरे अब अनबैन हो रहे हैं, या फिर आप यूँ समझ लो कि वो धीरे धीरे अपने नेम चेंज कर रहे हैं या आईडी चेंज कर रहे हैं, एंड गिवअवे कस्टम में आ रहे हैं, एंड उनका वही पुराना काम जो कि उनका टीमिंग कर रहा है वो अभी भी गिवअवे कस्टम में चल रहा है। एंड इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जब तक गिवअवे है तब तक टीमिंग चलता रहेगा। मैं आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एंड कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इस बात की भी गारंटी मेरी है। और बात सिर्फ यहाँ पे देसी या फिर देसी के जितने भी बंदे हैं वहां तक खत्म नहीं होती। देसी या देसी के बंदों के अलावा जितने भी बंदे यहाँ पे गिवअवेज कस्टम खेलते हैं, उनमें से 100% लोग टीमिंग करते हैं। इस चीज का भी मेरे पे क्लिप है, डिस्कॉर्ड क्लिप से लेकर के हर चीज का प्रूफ मेरे पास है। एंड अगर हो सके तो मैं आने वाले टाइम पे सही समय पे सारी चीज बताऊंगा, एंड एक एक बंदों का नाम बताऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे उनको लोगों का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फालतू में भी एक और हेट लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यार एक बंदे को ही एक्सपोज करके हमें इतना ज्यादा हेट मिल रहा है ना गिवअवेज कस्टम में, कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब कि हम जहां भी जाते हैं वहां पे हमें टीमिंग करके या फिर जो भी बोलो टारगेट करके मारना, हर जगह पे हमें टारगेट करके मार दिया जा रहा है। तो हम लोगों के लिए यार बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है अपने कंटेंट्स को निकालना। तो यहां पे मैं और भी लोगों का नाम लेकर के यार और भी ज्यादा हेट अभी नहीं ले सकता हूं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्योंकि अगर मैं सबका नाम लेने बैठा ना भाई, तो बहुत ज्यादा लंबा लिस्ट है, क्योंकि लगभग जितने भी बंदे गिवअवेज खेलते हैं सबके सब चोर है, सबके सब टीमिंग करते हैं, एंड इनका कोई इलाज नहीं है। एंड सबके सब में से मेरा मतलब हर किसी का नहीं है, बहुत से ऐसे बंदे जो कि ना तो आज टीमिंग कर रहे हैं, ना पहले करते थे, एंड ना ही आगे करेंगे। सब हमारे जैसे फेयर खेलने वाले बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बड़े मेच्योर लोग भी हैं, एंड वो लोग जरा भी टीमिंग नहीं करते, बल्कि वो हमें सपोर्ट करते हैं कि देखो यार भाई ये टीमिंग कर रहा था मैंने क्लिप बनाया, देखो यार ये टीमिंग कर रहा था मैंने इसका क्लिप बनाया। तो ऐसे बहुत से सपोर्टिव लोग अभी भी हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, एंड ऐसे बहुत से हेट्स करने वाले जो कि हमें हेट करते हैं, टारगेट करके मार देते हैं। तो हम लोगों के लिए तो यार बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है ये समय अभी। और तुम लोगों को पता है देसी छोरों को एक्सपोज करके ना हम लोगों ने खुद के पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। वो कैसे? अभी मैं आप लोगों को 2 से 3 पॉइंट में समझाऊंगा। तो पहली चीज तो आपको पता ही होगा, टारगेट करके मारना। जी हाँ गाइस, जब से हम लोगों ने यार एक्सपोज वाला कांड किया है ना भाई, तब से हम लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है। मतलब जितने भी देसी के बंदे हैं वो तो अभी भी गिवअवे कस्टम में आते हैं, तो हमें टारगेट करके मार देते हैं। एंड दूसरी चीज तुम लोगों को पता है कि हर समय 2400 घंटे कोई भी कस्टम हम खेले ना, सारी नजर हम पे ही रहती है। मतलब हम लोग टीमिंग करें या ना करें, हम लोगों के ऊपर झूठे आरोप तो लगने तय हैं कि ये टीमिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, आप लोग ऐसे समझो, अगर मैं एंड रजत आपको
आपको पता है हम लोग दोनों दिन भर साथ में खेलते हैं, कोई भी गिवेस कस्टम साथ में खेलते हैं। तो अगर हम लोग सोलो सोलो कस्टम खेल रहे हैं एंड अगर हम लोग दोनों गलती से भी एक ही जगह पे यानी कि सेंटोसा पे मान के चलो कि लैंड करते हैं गलती से भी, तो सारे के सारे बंदों को लगेगा कि ये टीमिंग कर रहा है एंड वो प्रूफ भी हो जाएगा क्योंकि हम दोनों साथ में खेलते हैं। एंड अगर हम गलती से ही मान के चलो एक्सीडेंटली गलती से लैंड कर गए ना, तो भी सारे बंदे बोलेंगे कि दोनों कॉल पे डिस्कॉर्ड पे जैसे भी, मतलब वो अफवाह उड़ना ही उड़ना है। तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, हम लोग ना ही एक साथ लैंड कर सकते हैं ना ही कुछ, एंड ना ही भाई हम लोगों को ऐसे भी फर्क पड़ता है क्योंकि हम लोग पहले से ही ऐसे ही नॉर्मली अपने खुद ही खेलते थे। हम लोगों का कहीं कोई टीमिंग वाला सीन नहीं है तो उससे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ गलत गलत अफवाह उड़ते हैं एंड बहुत ज़्यादा हेट भी मिलता है, तो थोड़ा सा मतलब क्या ही बोल सकते हैं। एंड आप लोगों को पता है मैंने पिछली बार भी वीडियो एक बना के डाला था कि कैसे मेरे को टीमिंग मतलब बेफालतू में टीमिंग कर रहा है ऐसा बोला गया था, क्लिप बनाए जा रहे थे ऐसे फालतू में, वो भी बिंदास लैला की स्ट्रीम पे। तो खैर हालांकि वो सब चीज़ें मैटर सॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन यार एक टाइम पे आपको हेट मिलता है यार, झेलना पड़ता है, तो क्या ही कर सकते हैं, सहलेंगे थोड़ा सा। तो देखो यार मैं इतना ही बोलूंगा अंत में कि देसी छोरा एकमात्र ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि गिवेस कस्टम में आकर के टीमिंग करता था, ऐसे लगभग सब भी गिवेस प्लेयर है जो कि टीमिंग करते हैं। एंड देसी छोरा का एक्सपोज होने का कारण यही था गाइस कि क्यों वो फालतू में हम लोगों को एटीट्यूड दिखा करके हमसे पंगा ले रहा था, तो इसलिए वो एक्सपोज हुआ। तो भाई तुम लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज ये जो स्पैम करते हो ना गाली वाले, ये सब मत किया करो वरना अगली बार तुम्हारी कुंडली खोल दूंगा। तमीज में रहो तो हम भी तमीज में रहेंगे, तुम खेलो जैसे खेलना है खेलो, एंड दोबारा हम लोगों को टीमिंग करके मारोगे भाई तो तुम्हारा कुंडली तो खुलेगा ही खुलेगा। तो इसलिए भाई नॉर्मली खेलो, नेचुरली खेलो, जैसे खेलना है खेलो, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, पर यार थोड़ा सा तमीज में रह के खेलो। एंड गाइस तुम लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं उनसे इतना ही बोलूंगा कि अगर तुम लोगों को कोई भी गिवेस कस्टम में टीमिंग दिखता है तो हम लोगों को बताओ, क्लिप्स बना के दो, हम लोगों को थोड़े से प्रूफ दो, हम सबका कुंडली खोल देंगे। तुम लोग को फालतू में लड़ाई झगड़े एंड हेट लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ झेल लेंगे एंड हम लोग बैन करवाने का फुल ट्राई करेंगे। एंड देखो यार परमानेंट बैन तो हम भी नहीं करा सकते, आपको भी पता है नेम चेंज हो जाती है, आईडीज चेंज हो जाती है, तो परमानेंट बैन तो नहीं, पर जितने भी हो सके जितने दिनों के लिए बैन हो सके हम लोग करवाएंगे, जहां जहां से बैन हो सके वहां से करवाएंगे। एंड बस यार इतना ही था, एंड आप लोगों को होप सो कि समझ में आ गया इस वीडियो में मैं ना ही कुछ किसी को बोलने वाला था ना ही बस आप लोगों को क्लियर कर दे रहा था कि एकमात्र देसी ऐसा बंदा नहीं था, ऐसे लगभग सभी बंदे जो कि टीमिंग करते हैं एंड ये खत्म कभी नहीं होगा, जब तक गिवेस कस्टम है तब तक टीमिंग होती रहेगी। बस इतना हो सकता है कि दो चार पांच दिनों के लिए हम बैन करवा दें, वो भी हमारे नजर में आए या हमें टीमिंग करके मारे तो ही, या फिर हमें कुछ प्रूफ मिले तो ही। तो बस इतना ही था गाइस, एंड किसी से मुझे कोई हेट नहीं है, रिप्लाई वीडियो का मैंने रिप्लाई दे दिया पहले ही, जो कुछ भी था जो भी गालियां वाला जितना गुस्सा था मैंने सब पिछले वीडियो में निकाल दिया। एंड अब किसी से कोई हेट नहीं है एंड ना ही मैं इन सब चीजों के टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड ये वीडियो मैं आप लोगों को पिछले बार भी बोला था कि अब रिप्लाई वीडियो के ऊपर मैं और भी कोई रिप्लाई वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो मैंने रिप्लाई वीडियो नहीं बनाया बल्कि आप लोगों को बताया कि ऐसे बहुत से बंदे अभी भी हैं, तो जो बंदे यार टीमिंग करते हैं अगर वो वीडियोस देख रहे हैं तो सतर्क हो जाओ भाई वरना तुम्हारे भी कुंडली खुल देंगे, ठीक है। तो बस होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। धुंधली धुंधली सी राहें हैं, राहों पे काले साए हैं, सब चेहरे इंसानों से पर हाथ बड़े शैतानों से, ना पढ़ने देंगे सांसों को जहर बना देंगे।